आप लोग जो भी सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। या she's right, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों का ये जो रिलेशन है इसी वजह से इनका लॉन्च 72 घंटों में हो रहा है, इसी वजह से इनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो गलत सोच, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको जो भी काम मिला इनको इनके टैलेंट की वजह से मिला। और मैं अबीर किसी को स्पॉइल नहीं करना चाहता, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। आप लोग गलत मत समझे प्लीज। ये तो वही लड़का है जो भाव और खुशी के साथ इधर रहता है। तो खुशी जी, आपका अबीर के साथ जो रिश्ता है क्या सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है? क्या अबीर के साथ आप अपना रिलेशन यूज कर रही हैं? खुशी, अबीर जी, क्या खुशी और आपके बीच कोई नाजायज संबंध है? खुशी, क्या खुशी के रातों रात स्टार बनने के पीछे अबीर धर्माधिकारी का हाथ है? क्या खुशी ने ये सक्सेस पाने के लिए अबीर धर्माधिकारी के साथ संबंध बनाए हैं? अरे भाऊ, ये क्या कर रहे हो? ये भर गया। वाह, इतना बड़ा काम खुशी को। अरे वही मैं सोचा कि इतना बड़ा कंपनी में इतना इजीली खुशी को इतना बड़ा ब्रेक मिल गया। अब समझ में आया भाऊ। Cheers my son. Cheers mom. सच अभी I'm so proud of you. आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। You know what? अब तुम्हें सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि वो stupid खुशी अपने उन चौल वालों को कैसे फेस कर दिया after all this humiliation. The fun begins now. अरे कहाँ जा रहे हो? अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने मॉम। आज मेरी सजा का आखिरी दिन है and I'm sure वो खड़ूस खुशी मुझे अपने घर 2 सेकंड भी नहीं रखने वाली है। So don't wait for me, mom. I'm gonna enjoy and have the fun in my life. Cheers. Have fun, enjoy. I love you. देखो तो कितना मासूम लगती थी ना, किसे पता था कि ऐसी निकलेगी। अरे पैसे के लिए तो सब भागते हैं शांता भाई। ऐसा क्या पैसे के पीछे भागना, बाप का भी सोचा होता। अरे बाप को तो सब कुछ पता था। अरे वही मैं सोचूं, इतनी बड़ी लॉटरी इनके लाइफ में कैसी लगी। अरे मेरी बेटी की भी आवाज अच्छी है, लेकिन ब्रेक इतने आसानी से थोड़ी मिलता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा ब्रेक नहीं चाहिए। देखो तो कितना मासूम लगती थी ना, किसे पता था कि ऐसी निकलेगी। खुशी, नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना, और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं 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 चाहिए मुझे। और मुझे ये भी नहीं जानना कि वहां पे क्या हुआ। और तुम ऐसे नजरें झुका के क्यों खड़ी, ऐसे सैड सैड क्यों है तू?
तूने कुछ गलत नहीं किया, नहीं किया तूने कुछ गलत। मैं जानता हूँ खुशी कि मैं बाकी लोगों के जैसा नॉर्मल नहीं हूँ, थोड़ा स्लो हूँ, और बाकी लोगों के जैसा मेरा दिमाग भी है ना पास नहीं चलता। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उन बाकी लोगों के जैसा मैं मैड नहीं हूँ, जो तुम पे डाउट करूँ मैं। और मैं मानता हूँ खुशी, मैं मानता हूँ कि कहने के लिए भले ही मैं तुम्हारा पापा हूँ, पिछले 15 सालों से तुम्हें मुझको पाला है, और तुम्हारा पापा भले भी कैसा भी है तुम्हारा पापा, लेकिन पापा जानता है कि मेरी खुशी कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, क्या करती है क्या नहीं करती। और तुम्हारा पापा का दिल कहता है कि मेरी खुशी कभी गलत नहीं हो सकती, खुशी ने कुछ गलत नहीं किया। May I come in? तुम्हें जरा आइडिया भी है तुमने क्या किया है कामनी? अपने ही बेटे को गलत रास्ते पे चलने के लिए फोर्स किया है तुमने। आज अबीर ने जो कुछ भी किया है ना, उसमें मुझे सिर्फ तुम्हारी झलक नजर आई है ना, तुम मां कहलाने के लायक ही नहीं। मिस्टर प्रताप धर्म अधिकारी, मुझ पर फिंगर पॉइंट करने से पहले तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते? हो तुम बाप के लाने के लायक? और अगर इतना ही शौक है तुम्हें पेरेंट बनने का तो गो बी माय गेस्ट, ज्ञान दो अपने बेटे को। लेकिन ना, ऐसा करोगे नहीं तुम, और किस मुंह से करोगे? क्योंकि जब तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम बिजी थे ना उस कौशल्या के साथ अफेयर करने में। प्लीज मुझे ब्लेम मत करो कामनी, और अगर हमारा रिलेशनशिप टूटा है ना तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो, और कौशल्या को तो ब्लेम ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा घर पहले ही से उजड़ चुका था। अरे कौशल्या ने तो सिर्फ मेरा घर बसाया है, सीखो उससे कुछ। देखो कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है उसने निर्वाण को। अगर तुम्हें मां बनना है ना कामिनी, तो कौशल्या की तरह बनो। How dare you? उस कौशल्या के साथ मुझे कंपेयर करने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? How dare you? I'm sorry, my mistake, darling. अब मेरी गलती है, मैंने तुम दोनों को कंपेयर कैसे किया? कहां कौशल्या और कहां तुम? पर अभी कुछ देर पहले जो तुम कह रही थी ना बेटे को ज्ञान देने के बारे में, पता है खुद को क्यों रोकता हूँ? क्योंकि तुमने अबीर को जिस तरह से ब्रेन वॉश किया है ना, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी कहता हूँ तो वो उसका कुछ अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाल लेता है। पर ये सोचने की गलती बिल्कुल नहीं करना कि ये मेरी हार है और तुम्हारी जीत। ये मत भूलना कि अबीर मेरा बेटा है, उसमें मेरा ही खून है, वो दिल का साफ है। मैं एक न एक दिन उसे तुम्हारे इन्फ्लुएंस से निकाल के ही रहूंगा, तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूं। और ये सब जिस अबीर ने बिगाड़ा है ना, वही अबीर ये सब ठीक भी करेगा। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुशी के साथ ऐसा करने की? कैसे भी हिम्मत तुम्हारी ऐसे करने की? पापा, ये सवाल मुझसे नहीं अपनी बेटी से पूछो। पहले ऑफर उसने दिया था, मैंने नहीं। इंस्टेंट सक्सेस चाहिए थी इस लड़की को, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। कोर्ट का बदला निकाल रहे हो ना मेरी खुशी के साथ? मुझे पता है झूठ बोल रहे हो। मेरी खुशी अच्छी लड़की है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी किया उसने? भाव जाने दो, समझाओ यार इसे। ए खुशी, नॉक सम सेंस इनटू दिस ओल्ड मैन। वैसे मैं बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठाता, लेके दो इन्हें। तुम उठाओ ना हाथ, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, मैं भी देखता हूँ क्या करते। उठाओ, अरे पापा, पापा, ये देखो चोट भी लग गई आपको, अब चलिए घर चलिए। कार्तिक भाव, बस बहुत ड्रामा हो गया,
वैसे भी यहाँ सबको सब कुछ पता है। अरे सच नहीं है, झूठ बोल रहा है, झूठ। मालूम नहीं है कुछ भी। पापा प्लीज देखिए, आप सबके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, प्लीज आप लोग घर चले जाइए। हाँ हाँ, हमें सब पता है, वैसे भी टीवी में तुमने पूरा तमाशा दिखा दिया है। अरे आजकल की जनरेशन को ना सब ऐसा तुरंत चाहिए, उसके लिए वो चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ मुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, तुम घर पे भी बकवास कर रहा था। पापा, क्या तुझे समझाऊं मैं तुझे? अरे खुशी बड़बड़ रोल में रहो। चलिए चलिए जाइए आप लोग घर चलिए। इसको इसको बोलूं? पापा प्लीज। लुक व्हाट यू हैव डन, एक छोटी सी बात को कितना ह्यूमंगस बना दिया तुमने। उसी दिन मुझसे पैसे लेके सेटल कर लेते तो आज ये इशू नहीं होते। अच्छी खासी लाइफ स्मूथ चल रही थी तुम्हारी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आदत है ना लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की। खींच लाई मुझे अपनी लाइफ में, वाह। खैर, लुक एट योर पापा, टूटा हुआ पांव, माथे पे चोट, इज्जत गई, सोल, क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? यू नो व्हाट खुशी, टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हम जैसे लड़कों का ना ही कभी कुछ बिगड़ता है ना कभी कुछ बिगड़ा है। बिगड़ा है तो तुम जैसी लड़कियों का। रिमेंबर वन थिंग, नेवर इनवाइट अ बुल इनटू अ चाइना शॉप, गेट इट इनटू योर हेड। तुमने ना, मैं अभी पापा प्लीज, वो जानबूझकर आपको प्रोवोक कर रहा है, आप प्लीज उसकी बातों पर रिएक्ट मत कीजिए। लगे हाथों एक और बात बोल देता हूँ, अपने घर से मुझे जल्द से जल्द बाहर निकाल दो। जाने दो इसे यहाँ से, ऐसा गंदा आदमी हमारे घर में नहीं चाहिए। निकलो निकलो इधर से, गेट आउट, जाने दे इसे, खुशी जाने दे। पापा, आप इसे कहिए कि आपके सर का बैंडेज कर दे। वुमन, गोस्ट लो के माना तुम्हें शौक लगा, लेकिन शौक से दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा? पापा इसे कहिए कि कोर्ट के ऑर्डर्स अभी भी वही है, वो चेंज नहीं हुए, इसीलिए आपके सर पे बैंडेज कर दे। मुझे आपके लिए कुछ दवाइयाँ लेने के लिए बाहर जाना है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं खुशी, मुझे ऐसे गंदे आदमी से बैंडेज नहीं करानी मुझे नहीं। पापा मेरी तरफ देखिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। आपको याद है आपने मुझसे क्या कहा था? प्रॉमिस किया था मुझसे कि आप मेरी सारी बातें मानेंगे, है ना? और मेरे पापा कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। मैं जाकर आती हूँ। ओके, देख क्या रहे हम? खुशी ने क्या बोला सुना नहीं तुमने? चलो चलो बैंडेज लगाओ। आई हेट यू द मोस्ट। तुमने मेरी खुशी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक बाप तुम्हें इस गलती के लिए कभी कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारे बाप ने कभी तुमसे प्यार किया हो तो ना? ओ अंकल, मेरे बाप तक ना ही जाओ तो अच्छा। My dad loves me the most. He loves me. प्यार करते वो मुझसे। पर जब तुम मुंह है ना, अपना बड़ा सा मुंह बंद करके रख, ये ऐसा ना कि और चोट लग जाए। बैंडेज अभी माथे पे लगा रहो, मुंह पे भी लगा दो, समझे? ज्यादा मत बोलो वरना मैं भी। नहीं मॉम, ये फादर डॉटर ड्यू दोनों ही क्रेजी। Thank you.
अभी रात शाम को जब मैं तुमसे मिला तो जस्ट फॉर अ मोमेंट तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि शायद तुमने अपनी गलती को रियलाइज किया हो। जस्ट लुक एट दैट गर्ल, क्या गलती है उसकी? सिर्फ यही ना, शी इज ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। ट्रूथफुल और इतनी बड़ी प्राइस पे कर रही है वो अपनी ऑनेस्टी की। ये जो तुम इसकी सिसकियों की आवाज सुन रहे हो ना, ये उसकी रोने की आवाज नहीं है, ये उसके दिल के टूटने की आवाज है। अगर मैं चाहूं ना वीर, तो अब भी जाके उसके आंसू पोंछ सकता हूं और उसका रोना थम भी जाएगा, पर उसका जो दर्द है ना वो कम नहीं होगा। वो कम तब होगा जब खुद दर्द देने वाला उसके जख्म पे मरहम लगाएगा। इसलिए अगर अपने डैड को अपनी लाइफ में चाहते हो तो मेरी एडवाइस मान लो, जाकर उसके आंसू पोंछ लो। डैड, मैं अबीर धर्म अधिकारी, यू गॉट बी किडिंग मी डैड, आई एम सॉरी, ये सब मुझसे नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। ठीक है, इट्स ओके, यू आर अ ग्रोन अप मैन और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है कि अगर वो लड़की रोती रही और उसका दर्द कम नहीं हुआ, सो लेट मी टेल यू मिस्टर अबीर धर्म अधिकारी, तुम अपने डैड की शक्ल कभी नहीं देखोगे। Got that? Hey, खुशी यार, बंद करो ये रोना धोना, प्लीज, दैट्स इनफ। लिसन, वेरी इवन नाउ, तुमने मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर, मैंने तुम्हारी लाइफ को, हिसाब बराबर, वी क्विट्स। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, डोंट यू वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कल सारे न्यूज़पेपर्स में मैं एक स्टेटमेंट दूंगा कि अबीर धर्म अधिकारी और खुशी बर्वे के बीच में कुछ भी नहीं था, और खुशी बर्वे ने खुद अपने टैलेंट के बलबूते पे ये लॉन्च हासिल करा। टेंशन मत लो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कहा तुमने? सब ठीक हो जाएगा। We are what? Quits. Even, huh? जो बीत गया सो बीत गया। बीत गई सो बात गई, हाँ? You know, ये जो तुमने किया ना मेरे साथ, ये बिगनिंग है उस बकवास की जो रियलिटी से काफी दूर है। क्या कहा था तुमने मेरे बारे में? मेरे जैसी लड़कियों को टिश्यू पेपर्स की तरह यूज करते और फेंक देते, यही कहा था ना? इन अ वे सही कहा था तुमने। कुछ लड़कियां टिश्यू पेपर की तरह डेलिकेट और फ्रजाइल होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी पे अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए या उसे क्रश कर दिया जाए ना, फिर उसे कभी यूज नहीं करते। लेकिन तुम, you know what, तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। ah, God. Get over it, यार. Get over it, please. तुम तो यार एक चीज लेकर बैठ गई, for God's sake, it's 21st century, यार. People don't give a damn. चीजें होती हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारा रेप करा।
4 दिन लगते लोगों को चीजें भूलने में। फिर फॉरगेट, इतना इशू क्यों बना रही हो तुम?